करनाल के इंद्रबियाना गांव के पास राहुल नामक एक युवक ने आवर्धन नहर में छलांग लगा दी, जिसके शव की तलाश प्रगट सिंह गोताखोर पिछले 2 घंटे से कर रहे हैं, लेकिन उसके शव का कहीं पर भी अता पता नहीं लगा। वहीं परिजनों व लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं दी गई, बल्कि उन्होंने अपने स्तर पर ही प्रगट सिंह गोताखोर को बुलाया और राहुल की तलाश करवाई जा रही है। बता दें कि राहुल इंद्री के वार्ड नंबर 9 का रहने वाला है, जो 2 दिन पहले ही अपनी बहन के पास कुरुक्षेत्र गया हुआ था। कल ही वहां से लौटा था और आकर उसने अपने एक दोस्त को फोन किया कि उसे लेने के लिए भाखड़ा नहर पर आ जाए। उसके पहुंचते ही उसके सामने थोड़ी दूरी पर वह था और उसने नहर में छलांग लगा दी। इसके बाद उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसका दोस्त उसको बचा नहीं पाया क्योंकि वह तैरना नहीं जानता था। और आज सुबह ही प्रगट सिंह गोताखोर की मदद से सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन अभी तक शव की तलाश नहीं हो पाई। बाद सूचना मिली थी कि ब्याना नहर पुल के पास एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी है। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे और यहां के पता चला था कि राहुल जो वार्ड नंबर 9 इंद्री का रहने वाला है, उसका फादर ने बताया कि 2 दिन पहले अपनी बहन के पास कुरुक्षेत्र गया हुआ था। तो आज उन्हें उसके दोस्त है उसको फ़ोन करके बताया कि मुझे आप ब्याना नहर पुल के पास से ले जाओ। जब उसका दोस्त उसको लेने आया, उसको देखते ही उसने नहर में छलांग लगा दी। उस दोस्त ने उसके परिजनों को सूचना दी, तो कल भी उसको तलाश कराई थी, तो उसके फादर ने बताया था कि कोई ऐसी बात उसके परिवार में नहीं हुई है, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। किस कारण से उन्हें छलांग लगाई है ये अभी कारणों का पता नहीं चल सका है। कल भी जो प्राइवेट गोताखोर थे आसपास के गांव वाले, उन्होंने भी सर्च की थी, लेकिन शाम होने के कारण रात को नहीं सर्च किया जा सका। तो आज भी जो पुलिस की टीम है पीछे से सर्च करती आई है, तो उसको सर्च किया, अभी तक वो राहुल की। हालांकि आप पीछे से सर्च कर रहे थे, परिवार के लोगों ने ये भी कहा कि पुलिस जो है सुबह से नहीं आई है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? नहीं, परिवार के लोग को बताया था कि जहां से उन्हें छलांग लगाई है, वो जो जिसने देखा था छलांग लगाते, उसने कहा था कि 1 किलोमीटर आगे तक उन्होंने देखा है उसको, जहाँ वो नीचे बैठ गया, तो इसलिए उसको पीछे से सर्च कराते हुए आ रहे थे। परिवार के लोग वहीं खड़े थे जहाँ से उन्हें छलांग लगाई है, ऐसा नहीं होता कि जहाँ छलांग लगाई है वहीं डेड बॉडी मिले, इसलिए पीछे से उसको सर्च कराते हुए उनके पास आ रहे थे। तो अब क्या किया जाएगा सर? अब सर्च करा रहे हैं, बॉडी मिलते ही उसको पोस्टमार्टम करवा कर कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल आप देख रही है, तो हमारे जो साथी सिंदर ने उसको नज़दीक लगाया, नज़दीक लगाने के बाद लाल कलर की टी शर्ट, जोमेटो वाली काली टी शर्ट, वर्दी पूरी जोमेटो वाली है, और ये 30-40 किलोमीटर का जो सफ़र इसका रहा है, दो तीन दिन डेड बॉडी 2-3 दिन पुरानी है, एज तकरीबन 40 साल के आसपास है। तो पानी नहीं भरा सर अंदर, फुली नहीं बॉडी? सर 80% मर्डर के यहाँ पर काफ़ी हद तक चोटें लगी हुई हैं, और इसका ये जो पानी इसके अंदर एक बूंद भी नहीं गया, तो जैसे ही ये गिरा है इसको जो भी उसको जाँच के बाद पता लगा, लेकिन ये है ये मर्डर। अब ये पुलिस के हवाले कर दिया और आगे जो राहुल का सर्च है उसके लिए आगे फिर हम शुरू करेंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।